सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता वाहन को आज कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये प्रचार वाहन जिले के विभिन्न गांवों में लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक के सभी नागरिकों का निःशुल्क कोरोना टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार सहायक दौलत राम ने बताया कि ये जागरूकता वाहन 19 जुलाई तक विभिन्न गांवों में प्रचार करेगा। फॉर ऑल के नारे के साथ आज एक हमने प्रचार रथ हरी झंडी दिखाई है। ये हमारे जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को बताएंगे कि जो वैक्सीनेशन है वो कराना जरूरी है और जो वैक्सीनेशन है वो सरकार की तरफ से सबको मुफ्त में दी जा रही है। ये वैक्सीनेशन फ्री के कैंप के लिए और टीकाकरण के लिए एक वैन चलाई जा रही है, मोबाइल वैन चलाई जा रही है और यह 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक कैथल के गाँव में और प्रॉपर कैथल में यह प्रचार कार्य करेगी और इससे लोगों में जागरूकता आने की संभावना है कि सब वैक्सीनेट हों। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जो 18 साल से अधिक आयु के लोग हैं उनको कोरोना से बचाव का टीकाकरण करने का जो निःशुल्क अभियान शुरू किया है वो ये बहुत अच्छा अभियान है और कैथल जिले में हम इसको पूरा मन से इसको लागू करने में लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग और हमारे उपायुक्त जी के मार्गदर्शन में। ब्यूरो द्वारा चीका कस्बे में टीकाकरण शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों ने कहा कि अब वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश के लोगों को निशुल्क वैक्सीन की सुविधा देने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। देश के लिए सुरक्षित है, हम मोदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। लोग भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, मोदी जी का हम दिल से तहे दिल करते हैं। मैंने आज ये दूसरी डोज ली है कोविड शील्ड की और ये सबको लगवानी चाहिए। ये टीका सबको सुरक्षित रखता है। इसके लगवाने से हमारे देश की जनसंख्या इस भयानक बीमारी से बच सकती है।